गाइज़, वेलकम बैक टू माई ब्लॉग्स। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज है वट सावित्री पूर्णिमा, और आप सबको वट सावित्री पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मॉर्निंग का टाइम है और हस्बैंड को ऑफिस जाना था, तो इसलिए मैं जल्दी से रेडी हो गई हूँ। और ज़्यादा कुछ रेडी होने का टाइम ही नहीं मिला, इसलिए मैं बस साड़ी वगैरह पहन के, बस बाल भी मुझे बनाना था बन, और बहुत सारी तो रेडी भी होना था, पर कुछ हुआ ही नहीं क्योंकि विहान को कोई संभालने वाला नहीं था। फिर मैं भी बच्चा किसके पास छोड़ के जाऊँ, तो ये भी प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैंने बोला कि हाँ, सो मॉर्निंग में पूजा करते। और मुहूर्त भी मॉर्निंग का 8 बजे से कुछ 10 बजे का था, और दोपहर में फिर 2 बजे से 4 बजे, तो पॉसिबल ही नहीं था। इसलिए भी मॉर्निंग में ही पूजा करना सोचा। तो यहाँ हम लोग पूजा के लिए आए, और सामान जो है पूजा का वो हस्बैंड रात को ही लेके आ गए थे, और यहाँ आसपास कहीं मिलता नहीं, इसलिए सिटी से ही वो आते आते लेके आ गए थे, जो कि खंडेराव मार्केट या थोड़ी जगह पे मिलता है। यहाँ आसपास तो कहीं था नहीं, तो बस सब लेडीज़ लोग, पहले तो एक बार का हो गया था पूजा करना, और मुझे पहले ही इनको लेट हो रहा था क्योंकि ऑफिस 8 बजे जाते हो, तो ऑलमोस्ट 8 बजे के ऊपर हो गए थे, तो वो फिर बाइक से जाने वाले थे। तो इसलिए हम लोग बस पूजा करने के लिए जस्ट अभी बैठे ही है कि पूजा स्टार्ट करी, और बहुत अच्छा लग रहा था पूजा करके और उपवास पकड़ के। और सारी लेडीज इस तरह से ही हम लोग मिलते हैं, रोज़ तो हम मिल नहीं पाते हैं। तो वट सावित्री पूजा क्यों मनाई जाती है, जितना मुझे पता है वो मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूँगी, क्योंकि हर वर्ष सुहागनी महिलाएँ द्वारा ज्येष्ठ मास की अमावस्या को वट सावित्री की व्रत रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्म तनों में भगवान विष्णु या डालियों में पतियों पर भगवान शिव का निवास स्थान है। इस वर्ष की लटकती हुई शिराओं में देवी सावित्री का निवास है। तो इसीलिए इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। ऐसा माना जाता है कि व्रत का पालन करने से महिलाएं अपने पति के लिए सौभाग्य और समृद्धि लाने में सक्षम होती है। वट सावित्री पूजा विवाहित महिलाओं द्वारा की जाती है। इसमें महिलाएं वट यानी बरगद की पूजा करती है, और अपने घर में दारिद्रता और अपने पति की लंबी आयु के लिए बहुत ही अच्छा व्रत माना जाता है, इसलिए सब सुहागने ये व्रत रखती है। इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे है, तो मैंने आपके साथ वही शेयर की है। और ये मस्त मेरी पूजा यहाँ चल रही थी, बस टाइम मुझे ज़्यादा लग गया पूजा करते करते।
आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज है वट सावित्री पूर्णिमा, तो आप सबको वट सावित्री पूर्णिमा के हार्दिक शुभकामनाएं। और जस्ट अभी पूजा करके आई क्योंकि हस्बैंड को जल्दी से ऑफिस जाना था, तो भी उनको लेट हो गया आज, और पूजा को 1 घंटा लग गया मुझे क्योंकि महाराज बहुत ज़्यादा स्लो पूजा करवा रहे थे इसलिए। तो पूजा वगैरह अच्छे से हो गई मेरी और अभी हम घर पर आए हैं और हस्बैंड गए ऑफिस में। तो आज का लुक मेरा ये साड़ी पहनी थी मैंने, बस जल्दी जल्दी से तैयार हो गई मैं क्योंकि टाइम ही नहीं था इतना जल्दी। और हस्बैंड छुट्टी नहीं लिए क्योंकि अभी वैकेशन में भी हम लोग गए थे तो इसलिए छुट्टी नहीं ले पाए वो, तो अभी वो ऑफिस गए हैं। और मैंने आज तो ये वाली साड़ी पहनी थी मैंने, और दूसरी साड़ी पहननी थी मुझे पर वो वाली ब्लाउज वगैरह रेडी नहीं था इसलिए ये पहनी। तो जल्दी पूजा करी और कुंकू वगैरह भी लग गया है मेरे सिर पे। और अभी बाकी मैंने सुबह में ही साबुदाना वगैरह बना के रख दिया था, तो अभी जस्ट चेंज करती हूँ, कुछ हल्का फुल्का सा सूट पहनूंगी वो, नहीं तो विहान को भी मुझे नाश्ता वगैरह अभी खिलाना है। तो जस्ट अभी विहान भी सुबह ही उठ गया था हम लोगों के साथ ही, तो विहान भी यहाँ है। तो अभी फ्रेश होती हूँ और थोड़ा सा कुंकू वगैरह जो लग गया है वो भी, तो मैं फ्रेश हो गई और मैंने पूजा वगैरह कर लिया क्योंकि जल्दी जल्दी मैं मॉर्निंग में की नहीं थी, फिर आके सब पूजा वगैरह किया मैंने और मेरी पूजा इस तरह। ये क्या कर रहे हो? मम्मा सब्जी तोड़ रही है ना, सारे घर में क्यों बिखेर दिया है तूने? तो जस्ट अभी सब्जी वगैरह मैंने रात को ही लेके आए थे क्योंकि जब से घूम के आए हैं तब से एक बार भी सब्जी वगैरह लिए नहीं। और ये व्लॉग मैं वो वैकेशन में जब हम घूमने गए थे उससे पहले ही डाल दूंगी, तो आपको इसके बाद जो हम घूमने गए थे वो वीडियो दिखेंगे, नहीं तो ये वट सावित्री का जो ब्लॉग है वो बहुत लेट हो जाएगा। तो मैंने सोचा सब्जी रात को ही लाए तो ख़राब हो जाएगी तो इसलिए उसको तोड़ना, पर विहान मुझे जल्दी जल्दी काम भी नहीं करने दे रहा है और सारी सब्जियां मैंने तोड़ी वो भी सारे रूम में बिखेर दिया है उसने। तो बच्चे ऐसे ही करते हैं, और मुझे ये सब काम निपटा के खाना भी बनाना है। तो अभी ऑलमोस्ट 6 बज गए हैं और मेरी दिया बाती खाना सब बाकी है, तो अभी विहान कुछ करने नहीं दे रहा है। क्या कर रहे हो ये?